नमस्ते मेरे मोटर प्रेमियों, आप एक और एपिसोड के लिए F1 के लिए जज्बा के लिए तत्पर हैं। नमस्ते एंजो, मुझे सुनने में आ रहा है कि आज हमारे पास एक रोचक वापसी की कहानी है। बिल्कुल, हम एलेक्स अल्बॉन के बहादुराना सफर पर डुबकी लगा रहे हैं जो F1 ग्रिड में वापसी की है। क्या उन्होंने अपनी जगह के लिए आंकड़ों का उपयोग किया था? आप सही हैं। अल्बॉन ने अपने दिनों के रेड बुल के साथी और पियर गास्ली और सर्जियो पेरेस के प्रदर्शन की तुलना की और इसे मैक्स वेरस्टापेन के साथ संबंधित किया। और ऐसा लगता है कि उन्हें बीते सत्र के दौरान काफी संघर्ष का सामना करना पड़ा। वास्तव में उन्होंने क्वालिफाइंग और रेस के परिणामों में वेरस्टापेन के पीछे बहुत स्थिरता से रहा। अल्बॉन ने केवल वेरस्टापेन के साथ 128 के खिलाफ 28 दौरों में प्रभुत्व स्थापित किया। यह एक भयानक अंतर है जिसे पार करना कठिन है, इसलिए उसने आंकड़ों के साथ अपना मुद्दा रखने का प्रयास किया है। सही है, वेरस्टापेन की गति से अक्सर पीछे रहने के बावजूद उन्होंने यह दावा किया कि उनका प्रदर्शन उनके दो पिछले सहयोगियों की तुलना में बेहतर था। विलियम्स के साथ एक सीट के लिए सबको टारगेट करने के लिए सब कुछ किया। क्या उनका आंकड़ाबाजी कामयाब रहा? यह वास्तव में महान सवाल है ना? चलिए इस रोचक कथा में और गहराई से खुदाई करें, सीधे यहाँ F1 के लिए जज्बा पर। वास्तव में लगता है हमारे सामरिक चर्चा के आगे एक रोमांचकारी बहस है। मोटरहेड्स को फिर से स्वागत करते हैं। आपके परिचित होस्ट एंजो कमान पर हैं और आज आपके साथ विलियम भी शामिल हैं। तुमने सुना है, सुनिश्चित करें कि आप सदस्यता ले रहे हैं और अधिसूचना घंटी रोजाना अपडेट के लिए बज रही है। F1 के लिए जज्बा से आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अब पूरी गति से चलिए हमारे विषय में डूबते हैं। तो एलेक्स अल्बॉन ने बीते सत्र के बाद रेड बुल के स्थान पर सर्जियो पेरेस के द्वारा अपनी जगह खो दी, लेकिन क्या उसने यह स्वीकार किया बैठे हुए? बिल्कुल नहीं। वास्तव में उन्होंने अपनी भूमिका को परीक्षण और रिजर्व ड्राइवर के रूप में उठाया और सिमुलेटर सत्रों से मूल्यवान डेटा इकट्ठा किया, और उन्होंने इस सभी डेटा का उपयोग करके टीम प्रिंसिपल्स के पास जाने का निर्णय लिया जब उन्हें वापसी की सोच रही थी। सही, उन्होंने एक एक्सेल शीट प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने अपने प्रदर्शन की तुलना पियर गास्ली, जिन्हें उन्होंने बदला था, और सर्जियो पेरेस, जिन्होंने उन्हें बदला था, के प्रदर्शन के साथ सरल आंकड़े तुलना की। और यह सिर्फ गति और क्वालिफाइंग के बारे में नहीं था, बल्कि यह दौड़ के प्रदर्शन के बारे में भी था। इस सब को मैक्स वर्स्टापेन के साथ तुलनात्मक रूप से मापा गया था, जो सभी 16 रेस में उनसे बेहतर क्वालिफाई कर गए थे। वास्तव में यह सभी 17 रेसों में था, न कि 16। ओह, माफी चाहता हूँ, आप बिल्कुल सही हैं, यह सभी 17 रेसों में था। इसके अलावा अल्बॉन सिर्फ वर्स्टापेन को 28 दौरों से पीछे छोड़ गए, जबकि वर्स्टापेन ने 700 और अत्यधिक दौरों से पीछे छोड़ दिया। और अल्बॉन ने अपने और वर्स्टापेन के बीच के अंतर के बारे में एक गंभीर बात कही। यह अक्सर वर्स्टापेन और गास्ली के बीच के अंतर से भी बड़ा था, जब गास्ली उनके सहयोगी थे। बिल्कुल सही, उन्होंने यह तर्क अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उपयोग किया था, विलियम्स के साथ एक सीट सुनिश्चित करने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए। काफी रणनीतिक चाल थी, क्या आप कहेंगे? वास्तव में यह उसकी परेशानियों के सामने अपनी दृढ़ता और सहनशीलता को दिखाता है। अद्भुत तौर पर अल्बॉन ने अपने मामले को प्रस्तुत करने में संकोच नहीं किया। वास्तव में उन्होंने खुद को सिर्फ पेरेस के साथ ही नहीं बल्कि गास्ली के साथ भी तुलना की, जो उन्होंने पहले ही रेड बुल में बदल दिया था। हाँ, अपने मुश्किल वर्ष के बावजूद उन्होंने अपने दो पूर्ववर्तियों से बेहतर माना।
उन्होंने उन आंकड़ों का उपयोग करके यह बोल्ड कदम उठाया। बड़ी बात तो यह है कि अंकों की झूठ नहीं होती, क्या आप नहीं मानते? वह कठोर आंकड़े बेशक बड़ा प्रभाव डालते होंगे। यह निश्चित रूप से उसके लिए फायदेमंद रहा होगा। और हमें याद रखना नहीं चाहिए, उसी आंकड़ों ने ही उसे विलियम्स में उसकी सीट जीतने में मदद की थी। यह दिखाता है कि इस खेल में सूचित निर्णयों और रणनीतिक कदमों की ताकत क्या होती है। बिल्कुल सही। प्रदर्शन के लिए जोश और रणनीतिक निर्णय लेने का संयोग वास्तव में अंतर ला सकता है। चलिए एक पल के लिए अल्बॉन की सहनशीलता और संसाधनशीलता की सराहना करें। परेशानियों के मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने अपनी स्थिति को बदलने का एक रास्ता ढूंढ निकाला। यह किसी के लिए एक महान सबक है जो चुनौतियों का सामना करता है, बस पीछे हटने की बजाय आगे बढ़िए। बहुत अच्छी बात कही है। उनकी कहानी वास्तव में एक कथन की प्रामाणिकता है, जब मुश्किलें बढ़ जाती हैं, तब मजबूत लोग आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही। और ये किस्म की कहानियां ही हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि हम इस खेल से इतना प्यार क्यों करते हैं। यह सिर्फ गति और रेसिंग के बारे में नहीं है, यह व्हील के पीछे लोगों और उनकी जोश से भरी पाठशाला के बारे में है। लेकिन हमारे आगामी सेगमेंट में आपके लिए और भी रोचक सामग्री है, इसलिए बने रहें। विलियम, आज के विषय पर ऑनलाइन चर्चा क्या हो रही है? चलिए देखते हैं। हमारे पास हेलो स्लोली के एक पोस्ट है जिसमें कहा गया है, उद्धरण हॉर्नर वेरस्टापेन बिना किसी संदेह के सर्वश्रेष्ठ F1 ड्राइवर हैं, अद्यतन। यह एक साहसिक दावा है। वास्तव में, लेकिन 1919 ने इस पर कुछ दिलचस्प प्रविष्टि की है। उन्होंने स्पष्ट किया है, उद्धरण, मेरा मानना है कि मैक्स, जहां वह अभी है, वह Formula 1 में वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ ड्राइवर हैं। वह विश्व चैंपियन है और वह किसी संदेह के बिना Formula 1 का सबसे अच्छा ड्राइवर है। हॉर्नर ने मतलब यह कहना था कि वर्तमान में F1 में इतिहास के बजाय अद्यतन। यह एक महत्वपूर्ण अंतर है। यह वाकई महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ एक मजेदार टिडबिट है, ऑटो 98 द्वारा एक टिप्पणी के जवाब में जो भ्रामक शीर्षकों के बारे में है। उन्होंने कहा, हाँ, आपने मिस्टिकेक्स की जगह मिस्टेक्स लिख दिया है। मैं इसे यहाँ पर नहीं, सिर्फ इसे कई अन्य साइटों पर भी पोस्ट करने जा रहा हूँ, जिससे इस अज्ञात मार्केटिंग की पहुँच और बढ़ाई जाएगी। हाँ, यह एक चालाकानी वाला है। हालांकि बातचीत गहराई तक जाती है। एक उपयोगकर्ता नामक महादेव यकीन रखता है कि वेरस्टापेन F1 के इतिहास में 5 सर्वश्रेष्ठ ड्राइवरों में से एक हो सकते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया है कि आप किससे पूछें और आप कौन से मापदंड उपयोग करें तो शायद 8 से 12 ड्राइवर हो सकते हैं जो प्रत्येक के लिए 5 सर्वश्रेष्ठ में शामिल हों। F1 के प्रशंसक कभी भी मित्राभाषी विवाद से घबराते नहीं हैं, क्या वाकई? बिल्कुल नहीं। वे यहाँ तक कि काल्पनिक परिस्थितियों में भी खुद को डुबोते हैं, जैसे कि क्या वेरस्टापेन फांगियो के समय में सफल हो सकते थे, या फिर आज के रेस कारों में फांगियो F3 से आगे बढ़ सकते थे। यह बहुत रोचक है। Formula 1 के प्रशंसक मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए अपने ज्ञान और जुनून से मुझे हमेशा प्रभावित करते हैं। यही बात इस खेल को रोमांचकारी बनाती है। प्रशंसक टीम और ड्राइवर के साथ इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, F1 के लिए जज्बा के एक और एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमने Formula 1 की जटिलताओं में गहराई से खुद को डुबोया है, विशेष रूप से वेरस्टापेन की कुशाग्र ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित किया है। हम आपकी सहयोग की कदर करते हैं और हमें आपको हमारी समुदाय का हिस्सा बनना बहुत पसंद होगा, तो कृपया सदस्यता लें और सूचनाएं सक्रिय करें। आप हमारे दैनिक अंतर्दृष्टि से वंचित नहीं होना चाहेंगे। और याद रखें, साझा करना सेवा करना है, इसलिए अपने दोस्तों को हमारे बारे में बताएं। अपने विचारों को टिप्पणी अनुभाग में छोड़े,
हमें आपसे सुनने में बड़ा आनंद होता है। और याद रखें दोस्तों, हम रोज यहाँ हैं, रबर जलाते हैं और सब कुछ F1 के बारे में खुलासा करते हैं। बने रहें क्योंकि हमारे सामरिक परिदृश्य पर कुछ दिलचस्प विषयों की तैयारी हो रही है। लेकिन मेरे द्वारा कोई स्पॉइलर नहीं, आपको अपने इंजन चलते रखने और अपने रेडियो को संयोजित करने की जरूरत होगी ताकि आप जान सकें। बिल्कुल, हमें आपके साथ और रुचिकर और विचारों को उत्तेजित करने वाली बातचीतें साझा करने में खुशी होती है। आपका समर्थन हमारे लिए विश्वास की बात है और हम अगले एपिसोड में आपको देखने के लिए बेसब्री से इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन तब तक हमेशा याद रखें, मेटल पर पेडल दबाएं, सड़क पर अपनी नजर बनाए रखें। हमारे चैनल का सामग्री सोने की तुलना में है। अगली बार मिलते हैं दोस्तों।